ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच, और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोज वक्त पे आप तक पहुंचती रहे। ब्लूबर्ड सिटी ने तीसरा टेन्योर दे दिया जी, 25% रिलीफ पैकेज, डेवलपमेंट चार्जेस और रीलोकेशन पे। कौन से दोस्त रीलोकेट हो सकते हैं, कौन से दोस्त रीलोकेट नहीं हो सकते, जिन्होंने एपीआर के थ्रू ये डिस्काउंट अवेल किया उनके लिए क्या पॉलिसी है, जिन्होंने मर्जिंग के थ्रू डेवलपमेंट चार्जेस अवेल के लिए उनके लिए क्या पॉलिसी है, और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा रहे हैं 25% डिडक्शन करके उनके लिए क्या पॉलिसी है, और रीलोकेट होने वालों के लिए कौन सी शरायत लाजम है, जरा इस चीज पे आज हम बात करेंगे, और थोड़ी सी बात हम लेजेंड एनक्लेव के हवाले से भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले 25% का जो रिलीफ पैकेज आपको मिला है इस पे ब्लूबर्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पे, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग डेवलपमेंट चार्जेस मर्जिंग के थ्रू कर रहे हैं, जिनकी मल्टीपल फाइल्स थी, उन्होंने अपनी फाइल्स को थ्रूइंग मर्जिंग डेवलपमेंट चार्जेस के जरिए क्लियर करवाया, फाइलें मर्ज की, आप लोग रीलोकेशन के ऑप्शन में स्टैंड नहीं करते, आप लोग 25% डिस्काउंट पोर्शन में भी स्टैंड नहीं करते। जिन लोगों ने 50% तक एपीआर अवेल किया वो लोग डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर अभी रिलीफ नहीं ले सकते, लेकिन अगर एपीआर के बाद अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, उनकी डेवलपमेंट चार्जेस को क्लियर करते हैं, तो आप रीलोकेशन वाले पोर्शन की तरफ जरूर आ सकते हैं। तीसरा, वो लोग जो रीलोकेशन चाह रहे हैं, मस्ट रीलोकेशन चाह रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि 25% रिलीफ मिल जाए, वो तो आपको मिल जाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑक्टा प्लस मार्केटिंग की टीम मेंबर से राब्ता करें, हम आपकी रिक्वेस्ट जनरेट करवाएंगे, टिकट बनेगा आपको, 25% का जो है वो रिलीफ आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है रीलोकेशन होना। रीलोकेट होने वाले दोस्तों के लिए बताते चले कि आपने घर भी बनाने हैं, आपने घर भी स्टार्ट करने हैं, सोसाइटी की जो रीलोकेशन की पॉलिसी है, या ये आप फर्ज करें सेक्टर आपको 15 का प्लॉट है, 18 का प्लॉट है, 20 का प्लॉट है, आपका जो है सेक्टर 10 का प्लॉट है, 7 का प्लॉट है, आपका 12 का प्लॉट है, आपको रीलोकेट किया जा रहा है सेक्टर 7 जनरल ब्लॉक के अंदर, तो आपके अगर 5, 7, 10 सेक्टर का गैप खत्म करके आपको इस सेक्टर में रीलोकेशन दी जा रही है, तो इसका मकसद है कि आपने घर बनाना है, वो आपको सोसाइटी के एंड से, मैं यहाँ पे किसी भी क्लाइंट को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ये सुस्ती जो है सोसाइटी के एंड से है, अभी तक उन्होंने वो पोर्टल बनाई नहीं है, ना उस तरीके का वे हमें दिया है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो किस तरह पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सॉल टेस्ट हो सकते हैं, कैसे वो कंस्ट्रक्शन पोर्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में चेयरमैन ब्लूबर्ड सिटी से आपको कहता हूं कि जितना एनओसी जरूरी है आपके लिए, उतना ही ये पोर्शन भी जरूरी है कि आप इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और एक ऐसा पोर्टल या कोई ऐसी हेल्पलाइन बना दें जहां से लोग अपना पोजीशन अप्लाई कर सकें, अपने नक्शे प्रोसेस करवा सकें, और वो लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आ सके। जून 2025 के अंदर आप लोगों को रेंट पे ये चीजें कर रहे हैं, तो उससे पहले आप पोजीशन, नक्शा, अप्लाई और ये सारे पोर्शन देंगे तो कोई बंदा घर बनाएगा, ऐसे हवा में थोड़ी घर बन जाते हैं कि बंदा कहे जी घर बन गया है, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने वीडियो बना दी, क्लाइंट ने देख लिया, घर तैयार हो गया, रेंट भी आना शुरू हो गया, ऐसे नहीं होगा, इसके लिए ये वे आपको डिजाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो दोस्त लेजेंड एनक्लेव के वाले से बुकिंग में इंटरेस्टेड है, आपको बताते चले कि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, मैप के अंदर से चॉइस का प्लॉट है, और हम जो है वो 24/7 अवेलेबल हैं आपको क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए। तो ब्लूबर्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर या लेजेंड एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी किस्म के रिलीफ पैकेज के लिए, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।